अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान अपने चैनल पे आपका तहे दिल के साथ इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज़ एक नए नुस्खे के साथ हाजिर होता हूँ और आपके लिए ज़बरदस्त नुस्खे लेके आता हूँ। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरे नुस्खे नहीं बना सकते, क्योंकि वो महंगे महंगे नुस्खे हैं, तो उनके लिए घरेलू उपाय भी बताना बहुत ज़रूरी है ताकि इन घरेलू उपायों को वो बंदे भी कर सकें जिनके पास पैसे की फरावानी नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बालों को लंबा कैसे करें। डेंड्रफ हो चुका है, खुश्की आ चुकी है, या आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वक्त से पहले, तो दोस्तों हम कैसे इसका इलाज करें। अब जो महंगे नुस्खेजात इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए ज़रूरी है ना कि कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिनसे उनका इलाज भी हो जाए और उनके ऊपर ज़्यादा लोड भी ना पड़े। तो आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल नायाब नुस्खा दे रहा हूँ, दोस्तों इसे इस्तेमाल करें। आपको लेना क्या है? तिल का तेल प्योर होना चाहिए, नंबर एक का तिल का तेल, ओरिजिनल तिल का तेल ले लें एक पाव। उसमें आप 125 ग्राम सरसों का तेल मिला लें और आप सरसों का तेल उसमें मिला लीजिए। उसके बाद ये दोनों एक जगह हो जाएं तो फिर आप दही ले लें थोड़ा सा और अंडा शामिल कर लें। तो अब इन दोनों तेलों में से थोड़ा सा लें, दही और अंडे को एक जगह मिक्स करने के बाद उसी में आपको तेल मिक्स कर देना है। अपने बालों पे लगाइए, ये आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत, बालों को गिरने से रोकेगा। वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं उसकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी और आपके अंदर जो डैंड्रफ खुश्की की शिकायत है, खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों, ये आज मैंने एक ऐसा घरेलू उपाय बताया है, अगर आप इस पे अमल करते हैं इंशाल्लाह आप अपनी इस परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। फिर होगी किसी अगली वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त। और इसी तरह से जानकारी पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम।